दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये आज का वीडियो पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों साइड पर जो मैडम बैठी है, इनके चल पे मिलियन में व्यूज जा रहे थे, लेकिन मैडम ने अपने चल पे एक छोटी सी ऐसी गलती कर दी, आज मैडम के चल पर 2-4-5-50 व्यूज आ रहे हैं। सोचिए, वायरल होने वाला चैनल जिसमें मिलियंस व्यूज जा रहे थे, एक गलती की वजह से पूरा चैनल बर्बाद हो गया। मैडम जी, आपने जो गलती की वो गलती लोगों को बताइए, लेकिन उससे पहले आपका नाम क्या है, आपके चैनल का नाम क्या है और आप कहाँ रहती हैं, सब कुछ बताइए डिटेल में। जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम दामिनी पासवान है और मैं कोलकाता की हूँ, और वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे चैनल का नाम है कैप्टन फन, जो कि ग्रीन स्क्रीन चैनल है। जी 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 मैम, क्या गलती आपने ऐसी कर दी? उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप मतलब यूट्यूबर क्यों बनना चाहती हैं, क्या रीजन है यूट्यूबर बनने का? मेन रीजन तो यही है कि लोग फाइनेंशियल स्ट्रांग होने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। मतलब यूट्यूब खुद बोलते हैं कि आप ज्यादा से चैनल अपना बनाए, ज्यादा से ज्यादा। तो मैं भी उसी तरह लोगों को देख करके इंस्पायर हुई और मैं भी यहाँ पे आई ताकि अपना फाइनेंशियली जो है वो अपने आप को स्ट्रांग रखूं। तो यही मेन रीजन है यूट्यूब पे आने का। मतलब घूम फिरा के फेम के साथ साथ यहाँ पर चूंकि पैसा भी मिलता है, इसलिए आपने सोचा कि यूट्यूब चैनल बनाते हैं। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि आपने अपने चैनल पे ऐसी कौन सी गलती कर दी जिस वजह से आपके मिलियंस में क्योंकि व्यूज जा रहे थे और आपके चैनल पे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 1700 मैंने देखा सब्सक्राइबर है आपके चैनल पे, और मिलियंस में व्यूज जाना इसका मतलब है कि यूट्यूब का जो हैक है वो आप 100% जान चुकी हैं। लेकिन आपने गलती कौन सी कर दी जिस वजह से आज आपके चैनल पर 2-4-5-50 व्यूज आ रहे हैं, वो गलती हमारी ऑडियंस को बताइए ताकि ये वो गलती ना करे। जी बिल्कुल, पहले तो मैंने जैसे ब्लॉगिंग का ये मेरा चैनल था बट उस पर ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा था। फिर मैंने वीडियोस जैसे स्क्रॉल करते करते देखा, मैंने ग्रीन स्क्रीन चैनल आया सामने, तो मैंने उसको देखा कि ये लोग ग्रीन स्क्रीन चैनल बनाते हुए मतलब अच्छी खासे पैसे लोग कमा सकते हैं और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मतलब हार्डली 5 मिनट में ये ग्रीन स्क्रीन चैनल बनकर रेडी हो जाता है और लोग लाखों करोड़ों में इसे वायरल कर सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरह सोचा कि चलो मैं भी करती हूँ। तो शुरुआत में मैंने बनाया 2-4 वीडियोस, तो मतलब थोड़े कम आए। फिर धीरे धीरे मैंने डालते डालते मुझे अच्छे व्यूज आने लगे, कम से कम 10, फिर 15, फिर 30, फिर 1 लाख करते करते पूरा बहुत अच्छा ग्रोथ हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जब शुरुआत में वीडियोज बनाए थे तो मैंने एक यूट्यूब चैनल से ही सीखा था कि अपने फोटोज को जो है वो छोटा रखे, ज्यादा बड़ा ना रखे। तो मैंने वैसे कुछ वीडियोस वैसे बनाए थे। फिर मुझे वैसे मतलब मैं वीडियोस चेक करते गई, फिर पता चला कि फोटोज को ज्यादा छोटा ना रखे, कम से कम 30% फोटोज जो है वो अपना मतलब पासपोर्ट साइज में होना चाहिए। फिर मैंने वैसे किए। तो फिर उसके बाद फिर पता चला कि अगर वैसे अगर छोटा रखूंगी तो मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा, रियूज कंटेंट आ जाएगा। तो मैंने क्या किया एक दिन कि मैंने ना सारे वीडियोस को जितने भी थे 10 से 15 वीडियोस जिसमें बहुत ज्यादा मतलब मिलियन में व्यूज थे, मैंने उसको डिलीट कर दिया अचानक से। तो मुझे लगा कि चलो डिलीट हो गया तो चलो मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और रियूज कंटेंट भी नहीं आएगा। फिर मैंने दूसरे दिन जब वीडियो डालना स्टार्ट किया, देखा मैंने कि बहुत कम व्यूज, बहुत ज्यादा कम व्यूज आने लगे। अब मुझे बहुत टेंशन हुई। चलो मैंने सोचा कि चलो अभी सुबह है, शाम तक तो अच्छे व्यूज आ ही जाएंगे। देख रही हूँ मैं कि 10 से 15 व्यूज ही पे अटके हुए हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। 10 से 15 वीडियोज डाल रही हूँ उसमें से कम 8, कभी 10 ऐसे ऐसे व्यूज आने लगे। तो मैं तो यही बोलूंगी। और मैम, पहले पहले आपके व्यूज कितने आते थे जब आप वीडियो मतलब पब्लिक कर देती थी, तो उस समय व्यूज कितने आते थे? मतलब अगर मैं वीडियोस डालूं तो मतलब 10 मिनट में कम से कम 10 से 15 हजार व्यूज आ जाते थे मुझे। और ये बाप रे, मतलब उस समय आपके व्यूज बढ़िया आते थे। और इस समय पर क्या हालात है? इस समय तो अभी मतलब 1 घंटा बाद देखूंगी अगर वाइट स्टूडियो में, तो बस 5-10 ऐसे आते हैं। मतलब घूम फिरा के आपने अपने चैनल की जो वीडियोस थी उनको डिलीट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। पॉपुलर वीडियो थी मैम वो जो आपने डिलीट की थी? जी पॉपुलर वीडियो ही थी। मैम आपको अपनी वीडियो डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, ये बहुत बड़ी आपने गलती कर दी। आपके चैनल को जो वीडियो बड़ा कर रही थी, जिस वजह से आपके चैनल की पहचान बढ़ रही थी, उसी वीडियो को आपने डिलीट करके अपने चैनल को टोटल बर्बाद कर दिया। दोस्तों आप सभी से बोलना चाहूंगा कि दोस्तों आपकी जो पॉपुलर वीडियोज होती है, जो वायरल हो रही होती है, उनको कभी डिलीट नहीं करना चाहिए। आप भले उनको प्राइवेट कर लीजिए लेकिन डिलीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके चैनल की पहचान वही वीडियो बना रही है ना। और मैडम का मैंने चैनल देखा है, मैडम आप गलती अपने चैनल पे नहीं कर रही थी। आपका भले ही जो वीडियो था वो 30% से छोटा था, लेकिन आप अपने वीडियो पे वॉइस दे रही थी, मैंने देखा आपका वीडियो। जी, जी मैं तो मतलब हाँ हाँ बताइए।
वॉइस में सही दे रही थी, बट मुझे लगा कि फोटो छोटा होने के कारण कहीं रियूज कंटेंट ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का है कि वॉइस देते हैं और फोटो कम होने से रियूज कंटेंट यूट्यूब दे दे रहा है, तो मैं इस वजह से डर गई थी तो मैंने वो डिलीट कर दिया। नहीं मैम, इंडिया के जितने भी ग्रीन स्किन क्रिएटर्स हैं लगभग 70-80% क्रिएटर मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, तो मतलब आप ये जान लीजिए कि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिनके जो वीडियोस हैं वो छोटे हैं, मतलब 30% से भी छोटे हैं, बट उन्होंने आवाज अच्छे से दी है, देन उनका चैनल मोनेटाइज है, वो पैसे कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको गलत गाइडेंस की वजह से ही आपका चैनल आज बर्बाद की कंडीशन पर पहुंच गया, क्योंकि अगर आपसे मेरा पहले संपर्क हो जाता तो मैं आपको गाइड करता कि भाई ये गलती मत करिए, डिलीट नहीं करना चाहिए आपको, भले आपका मन था तो आप प्राइवेट कर देते, क्योंकि होता क्या है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो आपके चैनल पर सेट होता है, और सेट होने के बाद अगर आप कोई भी अपने चैनल के साथ में छेड़खानी करते हैं, अपनी पॉपुलर वीडियोस को डिलीट करते हैं, देन आपका चैनल टोटल डाउन हो जाता है। दोस्तों आप लोग को आज के इस वीडियो से ये सीखना चाहिए कि कभी भी अपने चैनल के पॉपुलर वीडियोस को जो आपकी पहचान बना रहे हैं, जो आपके चैनल को बड़ा कर रहे हैं, उनको कभी भी डिलीट नहीं करना। मैडम ने ये गलती की और आज मैडम के चैनल पे देखिए 2-4-5 व्यूज आ रहे हैं, कहां मिलियन में आते थे कहां 2-4-5। सोचिए ऐसा क्यों हुआ, उसके पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी मैडम, सही बात है ना जी? बिल्कुल, लेकिन जैसे ही आपने वीडियो डिलीट किया उसके बाद से ही आपके व्यूज तुरंत क्यों गिर गए, क्या रीजन था? इसका मतलब है कि आपने जो डिलीट किया वो यूट्यूब को पसंद नहीं आया जी। बिल्कुल, मैं तो और मैडम आप बताइए करूंगी लोगों से कि आप लोग का जैसा चैनल चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, वीडियोस को बिल्कुल भी डिलीट ना करें, अगर डिलीट भी करना है तो पहले प्राइवेट रखिए, लेकिन डिलीट मत कीजिए आप लोग अगर बिल्कुल मैम वीडियो में प्रॉब्लम है तो। मैम आप एक बात, कल आपने मुझे बताया था कि आपने कल या परसों एक और अपने चैनल पे गलती की जिस वजह से और बड़ी ये गलती है, तो उसके बारे में बताइए, ऑडियंस जानना चाहती है। जी मैंने YT स्टूडियो में कुछ कीवर्ड्स और टैग्स वगैरह डाले हैं, जबकि मैंने जब शुरुआत में जब स्टार्ट किया था अपना चैनल तो मैंने कुछ भी सेटिंग्स में कुछ भी नहीं डाल रखा था, तो अब जब मैं तो मेरा वीडियो बहुत अच्छा चल रहा था, उसके बाद जब मैंने ये डाला कीवर्ड्स और टैग्स वगैरह तो और मेरे वीडियोस डाउन चले गए, क्योंकि मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी लोगों से जैसा आपका चैनल है चलने दीजिए, YT स्टूडियो को ज्यादा छेड़खानी ना करें, तो जो है उसी में आप लोग मतलब अपने चैनल को चलाते रहे, मतलब घूम फिरा के। आपने जब चैनल बनाया था उस समय आपने अपने चैनल पर कोई भी टैग नहीं डाले थे, चैनल के जो टैग होते हैं वो आपने नहीं डाले थे, लेकिन जब आपका वीडियो डाउन हुआ, चैनल डाउन हुआ, तो आपको लगा कि मेरे चैनल पर टैग नहीं पड़े, शायद इस वजह से तो मेरा चैनल डाउन नहीं हो रहा है, तो आपने जा करके चैनल की सेटिंग में गए, छिड़खानी की, नए नए टैग डाले, देन आपने ये देखा कि जो थोड़ा बहुत मतलब आपके चैनल पर जान बची थी वो भी चली गई, ऐसा ही हुआ है जी? बिल्कुल। दोस्तों कभी भी याद रखना, आप अगर YouTube पर काम कर रहे हो, आपका चैनल चाहे डाउन जाए चाहे अप जाए, आपको कभी भी अपने चैनल के टैग के साथ में छेड़खानी नहीं करनी। ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर बहुत आपको बताते हैं कि आपके चैनल पे व्यूज नहीं जा रहा तो भैया अपने चैनल के टैग बदल दो, ये कर दो, खला, मतलब ये सब नहीं करना चाहिए। आज मैं बता रहा हूँ, आज हमारे चैनल पर लाखों में व्यूज किसी किसी वीडियो पे पहुंच जा रहे हैं, लेकिन अगर आज मैं अपने चैनल पर छेड़खानी कर दूं, अपने टैग बदल दूं, तो मेरे चैनल के आज व्यूज डाउन हो जाएंगे तुरंत। ये बहुत बड़ी गलती है YouTube चैनल के साथ में जो आप लोग करते हैं, मैडम जी ने भी किया और आप भी यही गलती करते हैं। ये वीडियो क्यों बन रही है? ताकि जो मैडम जी ने गलती की वो कहीं आप ना धोखे से कर दो, क्योंकि आपने अगर कर दिया गलती तो जो मैडम के साथ हो रहा है ना वही आपके साथ भी होगा, सही कह रहे हैं मैडम जी? बिल्कुल। एंड ऑफ द वीडियो मैम, आप हमारी ऑडियंस को क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि अपना चैनल इन फ्यूचर कभी भी बर्बाद ना करें, अगर इनका चैनल ग्रो हो रहा है तो वो होने दे, क्या सजेशन देना चाहेंगी? जी मैं हमेशा यही बोलूंगी कि अगर जी कि अगर आपने ग्रीन स्क्रीन चैनल चालू किया है, चाहे कोई भी हो, ब्लॉगिंग का हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपका चैनल जैसे कंटिन्यू चल रहा है, अगर यूट्यूब को लग रहा है कि आपका चैनल पे एल्गोरिदम सही जा रहा है, तो उस पर कोई भी छेड़खानी ना करे, कुछ भी नहीं, चाहे वो वीडियो शॉर्ट से रिलेटेड हो, ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, ग्रीन स्क्रीन चैनल से भी रिलेटेड हो, तो आप लोग उसमें कोई भी छेड़खानी ना करें, व्यूज जा रहे हैं तो उसे जाने दीजिए, बस आप अपना मेहनत और लगन से अपना वीडियो अपलोड करते रहे, आपका व्यूज वैसे ही बढ़ते जाएगा और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। और एक चीज, अगर जब मेरे व्यूज जा रहे थे मतलब एक दिन में मुझे 200-300 सब्सक्राइबर मिल जाते, अच्छा अच्छा, और अभी है कि मतलब एक दिन में मुझे 10 सब्सक्राइबर भी नहीं मिल पाते, तो मैं यही चाहूंगी क्योंकि यूट्यूब के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप अपने चैनल पे इतने अच्छे व्यूज ला रही थी, क्योंकि आपके चैनल पे सब्सक्राइबर तो बहुत ही कम है, मतलब 1700 सब्सक्राइबर बिल्कुल ना के बराबर है, और मिलियंस में व्यूज लाना ये बहुत बड़ी चीज है, तो मतलब क्या कोई ट्रिक वगैरह थी क्या आपके पास में जो आप लगा रही थी अपने चैनल पे, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष होकर बताइए, कोई भी मतलब फर्जी चीज नहीं, रियल जो है वो बताइए।
जी कोई ट्रिक नहीं था, मैं सुबह मैं मतलब शेड्यूल में डाल देती थी, रात में वीडियोस बना करके शेड्यूल में डाल देती थी और सुबह के 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक के वीडियोस शेड्यूल में से 7:30 से लेकर 11 बजे तक हर एक घंटे पे वीडियो अपलोड करती थी। मुझे लगता था कि हर एक घंटे पे वीडियो डालू, क्या पता कि कोई भी वीडियोस वायरल चला जाए, और जब भी मैं डालती थी सारे वीडियोस वायरल, सारे वीडियोस। फिर अचानक जब वीडियो डिलीट किया तो उसके बाद फिर ये हाल हो गया कि वीडियोस ही डाउन चले गए। देखिए दोस्तों, मतलब कितनी दुखद बात है कि जो चैनल इतनी तेजी से बूस्ट हो रहा था, 1700 सब्सक्राइबर होने के बाद इतना तेजी से मिलियंस में व्यूज जाना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। कहीं ना कहीं यूट्यूब की कृपा आपके ऊपर मैडम हो गई थी, लेकिन एक छोटी सी गलती जिस वजह से आपका चैनल आज टोटल बर्बाद। अगर आप भी चाहते हैं हमारे चैनल पे इंटरव्यू देना तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, वहां पर जाइए, मुझे मैसेज कीजिए। जैसे मैडम का इंटरव्यू शूट हो रहा है वैसे आपका भी इंटरव्यू शूट होगा, और हाँ मैडम जी का जो चैनल है ना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो प्लीज जाइए विजिट करिए, देखिए मैडम जी ने कैसे इतने सारे व्यूज लाए, क्या मैडम जी अपने चैनल पे कर रही थी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।